हेलो फ्रेंड्स, टारगेट अवार्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। जैसे कि मैं आज लेकर आई हूँ बीटा गामा फंक्शन का सेकंड पार्ट। मैंने फर्स्ट पार्ट जो है आपका पिछले बार डाला था, यानी कि लास्ट टाइम डाला था। तो देखिए, मैं इसका लिंक भी दोनों का आपस में शेयर कर लूंगी, यानी कि फर्स्ट पार्ट जब आप खोलोगे तो उसमें सेकंड पार्ट भी मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट में जो डिस्क्राइब किया था वो बीटा गामा फंक्शन के कुछ डेरिवेशन थे कि बीटा फंक्शन कैसे निकालते हैं, गामा फंक्शन कैसे निकालते हैं। यहाँ हम दोनों को रिलेशन देखेंगे, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो सारे फॉर्मूले आएंगे ही, और अगर आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ रहे हो तो रिलेशन आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं आज प्रूव कराऊंगी रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड द गामा फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला है, देखिए, बीटा एम एन इक्वल टू गामा फंक्शन एम गामा फंक्शन एन अपॉन गामा फंक्शन एम प्लस एन। बट मैंने चेक किया कि इसको अगर हम ड्राइव करेंगे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बीटा फंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले मैं इनको ड्राइव कराऊंगी आपके लिए। तो आइए, सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला डेरिवेशन होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन होगा, क्योंकि हम इसके डेरिवेशन में वो टर्म यूज करेंगे, इसलिए मुझको ये ड्राइव कराना है। सेम आपका गामा फंक्शन बीटा फंक्शन को भी हम ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गामा फंक्शन। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो गामा फंक्शन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, पार्ट वन में मैंने ये आपको फॉर्मूला भी दिखाया है। देखिए, यहाँ पे गामा फंक्शन एन का फॉर्मूला हुआ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्स है उसको लैम्डा वाई पुट कर देंगे। तो जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये बनेगा डी एक्स इज इक्वल टू, यानी डिफ्रेंशिएशन करने पर एक्स का हो गया डीएक्स, लैम्डा हमारा कांस्टेंट है तो ऐसी रहेगा, और वाई का हो गया डी वाई। तो अब देखिए, हम इसमें पुट कर दें, इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। गामा फंक्शन एन ऐसे ही चल रहा है, जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट चल रही है, ई की पावर माइनस के लैम्डा वाई हो गया, और ये देखिए एक्स की जगह मैं लिख रही हूं लैम्डा वाई की पावर एन माइनस वन, और देखिए डीएक्स की जगह क्या लिख दूंगी लैम्डा डी वाई। तो ये देखिए लैम्डा डी वाई हो गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना है। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ, ये लैम्डा की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ये लैम्डा की पावर वन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा वाई, लैम्डा मैंने देखिए बाहर लिया तो एन माइनस वन हो जाएगा, एक ये लैम्डा प्लस वन हो जाएगा, वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। तो ये देखिए कट गया और लैम्डा की पावर एन बाहर आ गया, लैम्डा की पावर एन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा वाई, और ये वाई की पावर एन माइनस वन। हमें जो यूज करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ये होता है, गामा एन लैम्डा की पावर एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा वाई वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। ये देखिए, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगी, ये आपका फॉर्मूला है जो मैं कि रिलेशन निकालने के लिए ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होगा वो यूज होगा, इसलिए मैंने ये आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाया। तो देखिए, अब मैं आपको जो है बीटा फंक्शन जो है ड्राइव करके दिखाऊंगी। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन के लिए पहले मुझे बीटा का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बीटा एम कॉमा एन। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका फॉर्मूला होता है जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब हमें देखिए फिर से वही जैसे हमने पहले पुट करा था, तो इसी तरीके से हम x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे वन प्लस वाई। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, dx इक्वल टू माइनस के वन अपॉन वन प्लस वाई का स्क्वायर। जैसे आप जानते हैं वन अपॉन एक्स का होता है माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से वन अपॉन वन प्लस वाई का हो गया माइनस के वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए, अब नेक्स्ट इसके में पूरा इसको रख लेते हैं। जब हमारी लिमिट क्या थी, x इक्वल टू जीरो थी, तो देखिए वन अपॉन वन प्लस जीरो यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी। आप इसके इधर रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, वन अपॉन जीरो यानी कि इन्फिनिटी, और जब एक्स की वैल्यू वन थी तो वाई की वैल्यू आ जाएगी जीरो, यानी ये लिमिट अब इसमें चेंज होगी। तो अब लिमिट चेंज कर देते हैं और पूरा फॉर्मूला रख देते हैं, बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू जीरो चलेगा, इन्फिनिटी टू जीरो। जब मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगी तो यहां पर कितना आ गया, वन अपॉन वन प्लस वाई टू द पावर एम माइनस वन, और यहाँ पर जो है वन माइनस यानी कि वन अपॉन वन प्लस वाई सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर फिर ये रखेंगे वन माइनस एक्स की वैल्यू हो गई वन अपॉन वन प्लस वाई टू दी पावर यहाँ पर एन माइनस वन, और इसका डी वाई यानी कि डी एक्स की वैल्यू जो पुट करेंगे वो आ जाएगी, देखिए माइनस आ जाएगा, माइनस
वन अपॉन वन प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी वैल्यू रख दी। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जब इसकी ये इन्फिनिटी टू जीरो करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस वाई टू द पावर एम माइनस वन हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा वन प्लस वाई, तो यहां लिखेंगे वन प्लस वाई माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा वाई अपॉन वन प्लस वाई टू द पावर एन माइनस वन, और ये चल ही रहा है वन प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई। थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी, देखिए मैं एक साथ लिख रही हूं, ये चलेगा आपका y की पावर n माइनस वन डी वाई अपॉन, नीचे चलेगा वन प्लस वाई, देखिए एक पावर तो m माइनस वन बनी, एक पावर n माइनस वन बनी और एक पावर बन गई प्लस टू। जब इसे आप सॉल्व करोगे देखें ना, ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस टू, यानी कि जीरो बच गया आपका, जीरो टू इन्फिनिटी y की पावर n माइनस वन डी वाई अपॉन वन प्लस वाई टू दी पावर एम प्लस एन। ये आपका डेरिवेशन यानी कि बीटा गामा का फंक्शन का डेरिवेशन है, ये भी आपका रिलेशनशिप निकालने के काम आएगा। तो इसलिए मैंने ये दोनों फॉर्मूले आपको ड्राइव करा दिए, ये देखिए ये दोनों फॉर्मूले मेरे ड्राइव हो गए। अब हम रिलेशन निकालेंगे किसका, बीटा और गामा फंक्शन का। देखिए अब मैं ना रिलेशन दिखाऊंगी बीटा एंड गामा फंक्शन का, रिलेशन बीटा एंड गामा फंक्शन का रिलेशन दिखाएंगे। तो देखिए मैं अपना पहला वाला फॉर्मूला ये हटाती हूँ, ये जो पहला फॉर्मूला है यानी कि हमने जो गामा फंक्शन ड्राइव करा था, इसको इस फॉर्म में लिखती हूँ, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर, देखिए यहाँ पर मैं लैम्डा की जगह एक्स पुट कर रही हूँ, माइनस एक्स वाई वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू गामा फंक्शन एन अपॉन एक्स की पावर एन। मैं ये केवल मैंने लैम्डा की जगह एक्स यूज किया है जिससे कि मेरा फॉर्मूला ड्राइव हो जाए, और आप गामा फंक्शन का यहां से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि इसको इधर ले गए, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन, ये यहां गया e की पावर माइनस एक्स वाई वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। अब देखिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब जैसे कि आप गामा फंक्शन m की वैल्यू जानते ही हैं, तो गामा फंक्शन m तो हम सिंपल ही रखेंगे, जैसे कि n की वैल्यू होती है गामा फंक्शन n की जीरो टू इन्फिनिटी, हमने केवल n की जगह m माइनस एम रख दिया है, m माइनस वन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन हमने इसको वन मान लिया है, इस इक्वेशन में हम करेंगे x की पावर m माइनस, यानी कि जितना भी ये सोल्यूशन है, ये वाली सोल्यूशन है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे और बाद में लिमिट पुट कर देंगे। तो हमने क्या करा है, केवल x की पावर m माइनस वन e की पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी और लिमिट हमने पुट करी है x इक्वल टू जीरो से लेकर x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम करते हैं इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई, ये हुआ गामा फंक्शन m n x की पावर m माइनस वन e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट हमने सीधे पुट कर दी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, इज इक्वल टू सेम, अब यहां पर भी हम ऐसे ही काम करेंगे इस वाले फंक्शन में, जीरो टू इन्फिनिटी हमने लगाई, यहां ऑलरेडी जीरो टू इन्फिनिटी थी, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एक्स वाई वाई की पावर एन माइनस वन, और इससे मल्टीप्लाई किया है यानी कि एक्स की पावर एम माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारा इधर dx था और उधर ये वाला dy है, यानी कि इधर वाला dy आया, पहले वाला dy और दूसरा वाला dx। थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी, देखिए e की पावर एक ही रही, एक ही रही, तो ये कितनी हो गई, अगर मैं माइनस कॉमन लू, माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बना, वन प्लस वाई इंटू एक्स की पावर, देखिए एक n है ये m माइनस वन है, तो क्या बन जाएगी आपकी, एन प्लस एम माइनस वन, और एक बन जाएगी वाई की पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई, ये आपका सोल्यूशन बना। तो अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करके लिखते हैं, जैसे कि हमारा इक्वेशन हम जानते हैं कि अगर मैं यहां पर, जैसे हमारे सोल्यूशन है ये वाला, अगर मैं यहां पर मेरा क्या है, देखिए एम प्लस एम है एम की जगह, और इसी तरीके से ई की पावर माइनस एक्स है वन प्लस वाई बना है, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस वाले फंक्शन को हम कंपेयर करके इससे करेंगे कंपेयर, ये वाला जो हमारा फंक्शन था, तो हम यहां पर देखिए कंपेयर करते हैं e की पावर माइनस एक्स वाई, और यहां पर क्या बना है e की पावर एक्स वाई की जगह हमारा क्या बना है वन प्लस वाई, और इसी तरीके से हमारा ये जो फॉर्मूला बना है वाई माइनस वन, यानी कि यहां पर कितना बना है एक्स की पावर एन प्लस वन। तो थोड़ा सा डेरिवेशन में एक फॉर्मूला बता देती हूं कि ये वाला हमारा फॉर्मूला बनेगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस एन प्लस एम माइनस वन ई की पावर माइनस वाई प्लस वन एक्स
dx is equal to gamma function n plus m upon 1 plus y to the power m plus n. देखिए कैसे बना है, एक बार बता देते हैं. आपका ये जो फंक्शन था m plus 1 वाला, ये वाला, तो यहां पर हमारा क्या लग गया है, x की जगह, यानी कि ये x मान लिया हमने उसको, तो x की जगह ये वाला फंक्शन कितना बन गया, यहां पर n plus m, यानी कि n की जगह m plus 1 हो गया, तो यहां पर भी क्या ले लेंगे, n plus m. इसी तरीके से e की पावर में ये बन गया, x की जगह क्या बन गया, 1 plus y, तो यहां पर भी आ गया 1 plus y की पावर m plus 1, यानी कि n की जगह n plus 1 हो गया, x की जगह 1 plus y हो गया. इसी डेरिवेशन पर हमने ये वाला पूरा फॉर्मूला ड्राइव किया, यानी कि इसकी जगह, यानी कि ये वाली चीज और ये वाली चीज, इन दोनों की जगह हम ये रख देंगे फॉर्मूला, तो हमारा क्या क्वेश्चन आंसर बन जाएगा. ये देखिए लेफ्ट साइड में गामा फंक्शन n, गामा फंक्शन m, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी e की पावर वाला जो फार्मूला था वो गामा m का फंक्शन था. 0 टू इंफिनिटी हमारा पहले था, अभी हमने जो ड्राइव करके फार्मूला निकाला n plus m निकाला है, अपॉन यहां पर लिखा है 1 plus y टू द पावर m plus n, और ऑलरेडी जो बचा हुआ था वो y की पावर n minus 1 dy बचा है. तो देखिए यहां पर फार्मूला ड्राइव करने से ये वाला फार्मूला जो है, यानी कि ये अगर हम इसको देखें तो ये वाली चीज, ये वाली अभी हमने लिखा था, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन लिखा था, दिखा देते हैं. आपका ये वाला फंक्शन बीटा mn 0 टू इंफिनिटी y की पावर m minus 1 dy 1 plus y टू द पावर m minus 1 ये लिखा था, तो इसी बेस पे ये क्या बन जाएगा, बीटा mn. तो देखिए अब हमारा क्या बन गया, गामा n गामा m, ये अभी मैंने आपको बताया है, ये क्या बन जाएगा आपका, बीटा m कॉमा n गामा फंक्शन n plus m. तो यानी कि हमारा जो है बीटा mn का जो रिलेशन बन गया वो गामा फंक्शन m गामा फंक्शन n अपॉन गामा फंक्शन n प्लस m बन गया. आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला पूरा रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा. तो एक क्वेश्चन और है, उसे भी करके दिखा देते हैं. एक आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ये बहुत आता है फॉर्मूला, गामा फंक्शन n गामा फंक्शन 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई. ये भी इसी फॉर्मूले से बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको आगे डेरिवेशन में काम आएगा. तो हम पार्ट थर्ड में इसके क्वेश्चंस लेकर चलेंगे. एक फॉर्मूला और बता देते हैं, 0 टू लेकर पाई बाई 2 साइन m की पावर थीटा कॉस n की पावर थीटा गिवन हो तो हम क्या लिखते हैं, गामा, यानी कि m गिवन है तो गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा फंक्शन n प्लस 1 बाई 2 अपॉन में लिखते हैं 2 बाहर गामा फंक्शन m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2. ये फॉर्मूला भी बहुत काम आएगा. तो जब हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट थर्ड में क्वेश्चन करेंगे तो हमारे ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये बहुत काम आएंगे. तो हम ये तीन फॉर्मूलों का जरूर यूज करेंगे. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए. ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए. पार्ट थर्ड हम नेक्स्ट टाइम लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच.